से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम में 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। गुरुग्राम के राजीव चौक से इफको चौक तक लंबा जाम लगा। जयपुर से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंस गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीते 1 घंटे से जाम से जूझ रहे हैं लोग। साइबर सिटी गुरुग्राम में 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। जाम की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजीव चौक से लेकर के इफको चौक तक जाम लगा हुआ है। जयपुर से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। बीते 1 घंटे से जूझ रहे हैं लोग। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लंबा जाम लगा हुआ है। यहां पर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लंबा जाम लग गया है इफको चौक तक। ये लंबा जाम जो है वो लगा हुआ है साइबर सिटी गुरुग्राम में। करीब 5 किलोमीटर लंबा ये जाम, जहां पर गाड़ियां रिंग रिंग करके आगे बढ़ रही हैं। संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। संजय, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, इस जाम के पीछे क्या वजह बताई जा रही है? जी बिल्कुल हितेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से अक्सर गुरुग्राम दिल्ली जयपुर हाईवे पर जो वाहन रफ्तार बढ़ते हैं कहीं ना कहीं आज रिंग पे नजर आ रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण है कि एक वाहन जिसका जो टायर है वो पंचर हो गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं जो वाहन रफ्तार भर रहे थे वो कहीं ना कहीं अब रिंग पे नजर आ रहे हैं। और पिछले 1 घंटे की मैं बात करूं, करीबन 4 से 5 किलोमीटर लंबा जो जाम है वो गुरुग्राम दिल्ली जयपुर हाईवे पे लगा हुआ है। और क्योंकि जिस जयपुर से जो वाहन दिल्ली की तरफ जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब जाम का वो शिकार होते नजर आ रहे हैं। यही एक बड़ा कारण है क्योंकि एक गाड़ी खराब होने के चलते कहीं ना कहीं अब जो तमाम लोग हैं जो अपने ऑफिस जा रहे हैं या फिर अपने अन्य किसी कार्य से घर से बाहर निकले थे कहीं ना कहीं वो अब इस जाम से जूझ रहे हैं। जी जी इसके अलावा वहां पर क्या ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी पहुंचे हुए हैं जाम को खुलवाने के लिए गाड़ियों? जी बिल्कुल हितेंद्र, ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए अब तमाम गुरुग्राम पुलिस के जो जवान है वो मौके पहुंचे और कहीं ना कहीं अब जो वाहनों के जो वाहन है वो जो हम बात करें वाहनों के जो टायर मोत थमते नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब वो एक बार फिर उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं राजीव चौक गुरुग्राम से लेके इफको चौक तक ये पूरा जाम है वो पहुंच गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी बीच अब गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस जाम को खुलवाने के प्रयास कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए संजय। तो जो गाड़ियां रफ्तार से दौड़ती हैं वहां पर आज रिंग रिंग करके उस हाईवे पर आगे बढ़ रही हैं गाड़ियां। गुरुग्राम के राजीव चौक से लेकर के इफको चौक तक ये जाम करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम है।